अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी पर उपस्थित संबंध जितने हैं उन संबंधों को प्रिजर्व करने की जरूरत है, उन संबंधों को बनाए रखने के लिए कोशिश करने की जरूरत है, जैसे हम अपने परिवारों में अपने सगे संबंधियों के साथ करते हैं, वही कोशिश होनी जरूरी है। पृथ्वी भी अपनी एक्सिस्टेंस खो देती अगर वो अपना सूर्य के साथ संबंध भूल जाती, अगर वो चंद्रमा और पृथ्वी अपने आपस के संबंध भूल जाते तो वो भी अपने एक्जिस्टेंस को इस यूनिवर्स के अंदर खो चुके होते। उनका एक्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ चंद्रमा भी है, भले ही उससे छोटा भले हो पर वो है, और जब तक मैं रहूंगी पृथ्वी सोचती है तब तक चंद्रमा भी रहेगा, और जब तक सूर्य और सूर्य चाहे तो हम सबको खत्म कर डाले, अगर वो अपनी बार आ जाए और अपनी ग्रेविटी को थोड़ा सा भी चेंज कर दे अपने में हमें वापस बुला ले जहां से हम चले थे। लेकिन सूर्य हमारा सम्मान करता है और जब तक वो हमारा सम्मान कर रहा है हमें तुच्छ समझ के सूर्य के पास हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99% वेट है, तो फिर सोलर सन चाहे तो हमारे पूरे सिस्टम को अपने में मिला सकता है, उसमें इतनी ताकत है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा क्योंकि उसे मालूम है उसकी भी वैल्यू तभी तक है जब तक हम 8-9 के साथ हैं, तब तक वो इस यूनिवर्स में सम्मान के साथ है। हमारी वजह से ये सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में विशेष है क्योंकि हमारी वजह से इस सोलर सिस्टम पर जीवन है। तो जब ये बात सूर्य को समझ में आ गई, जब ये बात पृथ्वी को समझ में आ गई चंद्रमा के लिए, तो ये बात मानव क्यों नहीं समझ रहा अन्य पशु पक्षियों के लिए, अन्य जीवों के लिए, अन्य पेड़ पौधों के लिए, कि वो जब तक हैं तब तक हम हैं और उनकी वजह से हम विशेष हैं। बात यह है इंसान ने यह समझ लिया है कि पृथ्वी सिर्फ उसके लिए है, पर अगर ऐसा होता तो इस पृथ्वी पर सिर्फ इंसान भेजे जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तमाम जीव हमसे पहले इस धरती पर भेजे गए और हमारे बाद भी इस धरती पर नए जीव और नई प्रजातियां आ रही हैं, तो ईश्वर के साथ किस संदेश को लेकर के आ रही है? और अगर ईश्वर ने यह चाहा होता कि इस धरती पर केवल और केवल इंसान का कंट्रोल है और केवल इंसान का वजूद रहेगा, तो फिर वो उन अन्य प्रजातियों को प्रजनन क्षमता देकर ना भेजता, पर उसने उन प्रजातियों को हमसे ज्यादा प्रजनन क्षमता देकर भेजी है। हम उतने बच्चे पैदा नहीं कर सकते जितने वो एक बार में करते हैं, बहुत सारे जीव, तो हमसे ज्यादा प्रजनन क्षमता देकर भेजी है, हमसे ज्यादा संख्या देकर भेजी है, हमसे पहले भेजा है, इसलिए इस धरती पर हक उनका हमसे पहले है। और इस बात को समझने की आवश्यकता, बात को समझना होगा, वो प्रजनन क्षमता लाए इंसान ने समझ लिया है कि धरती पर केवल और केवल उसका एकाधिकार है, जो हो उसके हिसाब से हो, उसे कोई चीज अगर सुंदर लगती है तो केवल उसके दृष्टिकोण से सुंदर हो, और जो उसे सुंदर नहीं लगता उसे वो वाइल्ड कहकर बिगाड़ सकता है, जबकि उस वाइल्डनेस में ही जीवन है एक्चुअल। तो इंसान अगर अपनी एक्जिस्टेंस को बचाना चाहता है तो उसको इस बात को समझना होगा, सम्मान करना होगा।